क्या कोरोना वायरस एयरबॉर्न हो चुका है? आप सभी लोगों को भी व्हाट्सएप के ऊपर एक फॉरवर्ड आ रहा होगा जिसमें ये बताया गया है कि अब कोरोना वायरस एयरबॉर्न हो चुका है, यानी हवा में फैलना शुरू हो गया है। हवा से भी आपको कोरोना वायरस हो सकता है, और ये बताया जा रहा है कि WHO ने ऐसा कहा है। आपको मैं बता दूं कि ये जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड है, ये आधी सच्चाई आप तक पहुंचा रहा है। ये नहीं कहूंगी कि ये बिल्कुल झूठ है, लेकिन ये आधी सच्चाई है। WHO के ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि हम कोरोना वायरस को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं जैसे ये एयरबॉर्न हो, लेकिन कहाँ पर? केवल मेडिकल केयर फैसिलिटीज के अंदर। यानी कि WHO के ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि जितने भी मेडिकल ऑफिसर्स हैं जो उन पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं या उन पेशेंट्स की देखरेख कर रहे हैं जो कि COVID-19 के लिए पॉजिटिव हैं या जो क्वारंटीन फैसिलिटी में जा रहे हैं, उनसे हम ये कह रहे हैं कि आप वो प्रिकॉशंस लो जैसे आपको किसी एयरबोर्न डिजीज के लिए लेनी चाहिए, किसी एयरबोर्न वायरस के लिए लेनी चाहिए। यानी कि उन मेडिकल ऑफिसर से ये कहा जा रहा है कि आप, मैं आपको बता दूं, N95 मास्क पहने, ताकि इसमें बेस्ट फिल्टर जो है वो होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी आपको नहीं होगी, और साथ ही साथ अगर एयरबोर्न भी हो, एयरबोर्न इन्फेक्शन भी आपको नहीं होगी। तो ऐसा WHO के ऑफिशियल्स ने कहा है। व्हाट्सएप फॉरवर्ड जो आप देखेंगे उसमें इस तरह से बताया जा रहा है कि 8 घंटे तक हवा में कोरोना वायरस रहता है, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब एयरबोर्न होने की वजह से और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। देखिए WHO कह रहा है। तो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि इस तरह के लोगों को डराने के लिए व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स का इस्तेमाल ना करें, और साथ ही में उसमें खबर भी, एक खबर का लिंक भी शेयर किया जा रहा है, और लोग खबर का लिंक नहीं खोल रहे, खबर नहीं पढ़ रहे, खाली वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड में जो 2 लाइनें लिखी हुई हैं वही पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई अब तो एयरबॉर्न हो गया है कोरोना वायरस, अब तो बड़ी मुश्किल हो गई। तो मैं आपको बता दूं कि कोरोना वायरस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, WHO ने बार बार रिपीट किया है, अभी भी वो इसी स्टैंड पर कायम है कि कोरोना वायरस हैंड टू हैंड यानी कि टच से फैलता है या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ड्रॉपलेट अगर किसी सरफेस पे पड़ जाता है, उस पे आपका हाथ लगता है, उससे फैलता है। इसीलिए आपको अपने हाथ धोते रहने हैं, इसीलिए अगर आपको खांसी है, छींके आ रही हैं, तो आपको मास्क पहनना है। साथ ही में WHO ने ये भी कहा कि हम जब जब क्वारंटीन फैसिलिटी कोई होती है या मेडिकल केयर फैसिलिटी होती है, क्योंकि वहाँ पर AC चल रहा होता है, एरोसोल जनरेटिंग बहुत सारे मैकेनिज्म वहाँ पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, इसकी वजह से जब ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर COVID-19 के पॉजिटिव पेशेंट्स होंगे, तो जाहिर सी बात है वो खांसेंगे भी, वो छींकेंगे भी, तो वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो टेम्परेरी तौर पर एयरबॉर्न हो सकती हैं, लेकिन ये कहाँ पर हो सकती हैं? उस जगह पर जहाँ पर COVID-19 के पेशेंट्स को रखा गया है। इसीलिए ये एडवाइस किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेस्ट किया जाए, उन्हें क्वारंटीन किया जाए, और ये बताया जा रहा है कि क्वारंटीन भी प्रॉपर तरीके से हो, और जितने भी मेडिकल ऑफिसर्स उन क्वारंटीन किए हुए पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं, उनका क्योर कर रहे हैं, उनके पास प्रॉपर फैसिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड में बस इतना ही कि कोरोना वायरस एयरबॉर्न नहीं हुआ है, ऐसा WHO ने नहीं कहा है। आधा सच सुनकर अपना माइंड ना बना ले और घबराए मत।